रहमान रहीम। नाउ वी आर स्टार्टिंग 12.2। सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन है। सेंट्रल टेंडेंसी में आपकी मेयरमेंट्स आ जाएंगी डिफरेंट टाइप की, जैसे मीन आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन, वेटेड मीन, इस तरह मीडियन आ जाता है, उसके बाद मॉड आ जाता है। तो अब आप देखते हैं अरिथमेटिक मीन आपके पास सिंपली एवरेज होते हैं या मीन होता है किसी भी वैल्यू का। एवरेज मतलब उनको जो है वो आप सिंपली प्लस करके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देते हैं। अगर वेटेड मीन में देखें तो सम हर वेट आपका डिफरेंट होता है, उन सब वेट्स को आप ऐड करते हैं नंबर ऑफ मल्टीप्लाई विद एक्स, और एक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करके सम ऑफ एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाई सम ऑफ डब्ल्यू कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नाउ मीन देखते हैं, तो मीन जो है वो आपके पास सेकंड सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू होती है, जिसमें आप सम ऑफ डेटा को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। फॉर एग्जांपल ये आपके पास डेटा गिवन है, इसको आप ऐड करेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ हैं, तो 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 15 over 5, 5 1s are 5, 3s are, तो आपका मीन क्या आ जाएगा, 3। इसी तरह मीडियन के लिए आपको देखना है कि मीडियन आप दो तरह से फाइंड करते हैं। फर्स्ट मीडियन को आपको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपने मीडियन में देखना है, अगर आपके पास मीडियन में पेयरिंग करने के बाद आपकी एक वैल्यू बच जाएगी तो वो आपका ऑड नंबर्स होंगे, तो आपकी एक ही वैल्यू जो है वो मिडल वैल्यू आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इवन नंबर्स होंगे तो आपको दोनों जो दो वैल्यूज़ बच रही होंगी उन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? मॉड में देखते हैं, मॉड इज़ डिफाइन एज अ वैल्यू डेट अकर मोर फ्रीक्वेंटली इन द डाटा, जो सबसे ज़्यादा दफ़ा डाटा में आती है। जैसे हमारे पास ये डाटा गिवन है तो इसमें आपके पास सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन सा नंबर आया, 3, तो वो आपका मॉड होगा। सम डाटा डू नॉट हैव अ मोड बिकॉज ईच वैल्यू अकर ओनली वंस, जैसे कि आपकी हर वैल्यू एक एक दफ़ा आ रही है इस डाटा में, तो इसका मॉड नील होगा। क्लियर? नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, इसका आपने मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए मीन, मीडियन, मॉड तीनों फाइंड करने हैं। पहले हम मीन फाइंड करेंगे। मीन फाइंड करने के लिए आप सबको प्लस करके 10 पे डिवाइड करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, इट बिकम्स 54 divided by 10 विच इज़ इक्वल टू 5.4। मीन के बाद आपने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन के लिए जो डाटा गिवन है इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग, एज़ योर विश, आप किसी भी डाटा को किसी भी फॉर्म में अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद पेयरिंग करेंगे, एक पेयर इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब दरमियान में दो वैल्यूज़ बच गई आपकी, अगर सिंगल वैल्यू बचेगी तो वो मीडियन आ जाएगा, अगर दो वैल्यूज़ बची तो दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, 11/2 विच इज़ इक्वल टू 5.5। अब हमारा मॉड है, तो मॉड में भी आप अरेंज डाटा लें। इसमें देखें 0 1 टाइम है, 2 b 1, 3 b 1, 4 b 1, 5 b 1, 6। सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू जो वो है वो क्या है, 8। तो 8 आपका क्या आ जाएगा, मॉड, इस डाटा का मॉड जो है वो आपका 8 होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इसमें देखते हैं, ये हमारा डाटा गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसको आपको 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको 11 से डिवाइड करेंगे और ये सब प्लस करेंगे तो इट बिकम्स 51। 51 डिवाइडेड बाय 11 इट इज़ इक्वल टू 4.64। क्लियर? दिस इज़ द मीन। नाउ नेक्स्ट मीडियन के लिए अगेन आपको डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, हम असेंडिंग में अरेंज किया है। पेयरिंग करते हैं 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 वैल्यूज़ रह गई हैं। जब 3 वैल्यूज़ रह गई, 1 यहाँ स्किप कर दी, 1 यहाँ स्किप कर दी, तो एक वैल्यू आपकी रह गई 5, जो कि आपका मीडियन आ जाएगा। क्लियर? मॉड के लिए भी डाटा अरेंज लेंगे। 1, 2, 3 टाइम्स आपके पास आया है 3, और 1, 2, 3, 4 टाइम्स आपके पास आया है 5, 1, 2, 3 टाइम्स आया 7। तो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है 5, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, 5 इज मॉड। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इसमें देखिएगा, जो डाटा आपके पास गिवन है इन सबको आप ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स 140 divided by 8 विच इज़ इक्वल टू 17.5। इसी तरह मीडियन के लिए 1, 2, 1, 1, 4 plus 4 divided by 2 विच इज़ इक्वल टू 8/2, और आपका मॉड आ जाएगा, मीडियन सॉरी आ जाएगा 4। मॉड में अगेन आपकी रिपीटेड वैल्यू है और सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ 4, तो 4 इज मॉड। क्लियर स्टूडेंट्स? मॉड के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप डाटा को अरेंज फॉर्म में लें, मैं इसलिए ले रही हूँ कि इजी हो जाता है, समझ इजीली आ जाती है।